गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 8 एडवर्ब के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बताया था। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 38 ओपन करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखते हुए इसे समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कोई भी कार्य यानी जो क्रिया है, जो भी कोई काम किया जा रहा है, वो कितनी बार हुआ है या कितने समय हुआ है, कितनी बार किया गया है। तो पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफ्टन समथिंग इज डन और हैपेंड, कि कोई भी जो काम है वो कितनी बार किया है और कितनी बार हुआ है। वर्ड्स यूज एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स, जिन शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं वो है अगेन यानी दोबारा, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑलवेज हमेशा, फ्रीक्वेंटली बार बार, जनरली आमतौर पर, हार्डली मुश्किल से, एवर हमेशा, नियरली पास में, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभी, ऑफ्टन हमेशा, रेयरली बहुत कम, सेल्डम समटाइम्स कभी कभी, ट्वाइस दो बार, यूजुअली ज़्यादातर, एंड वीकली साप्ताहिक। ये जितने भी शब्द हैं ये हमें बताएंगे, ये हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो काम है या कोई भी जो चीज़ है वो कितनी बार की गई है या कितनी बार हुई है। तो यही बताता है हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन्हें पढ़ेंगे, ही कंप्लेन दैट शी नेवर स्माइल्ड बैक, उसने यह कंप्लेन करी कि वह कभी भी पलट के नहीं हंसती, दोबारा कभी भी, नेवर हंसी ही नहीं, यानी कोई काम, ये जो क्रिया है, क्रिया का होना ना जो है कितनी बार हुआ है ये हमें बता रहा है, नेवर कभी नहीं। वी ओनली राइट टू ईच अदर वेरी ओकेजनली, ओकेजनली क्या बताता है, कभी कभी, किसी किसी ओकेजन पर ही, त्यौहार पर ही। पीटर सेल्डम रीड्स अ बाइबल, पीपर जो है सेल्डम यानी कि रोजाना या नियमित रूप से, समटाइम्स कभी कभी, ही स्टेज लेट इन द ऑफिस टू कम्प्लीट हिज वर्क। ये जो हमें, ये हमें बता रहे हैं कि उसका क्रिया का होना यानी कोई भी काम के जो होने का जो है वो कितनी बार हुआ है या किस समय हुआ है। इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे अब हम। बी है हमारा रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द ब्रैकेट इन इट्स करेक्ट पोजिशन। ये ब्रैकेट में आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं जिन्हें आपको उनकी सही जगह पे लगा के वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो फर्स्ट हमारा दे गो टू द मूवीज ऑफ, ब्रैकेट है ऑफ्टन, तो क्या लगाएगा, दे ऑफ्टन गो टू द मूवीज, वो मूवीज देखने जाते रहते हैं। यहाँ पे क्रिया जाना, जाना क्रिया के साथ में लग रहा है यानी जाते रहते हैं, काम के होने का पता लग रहा है कि वो कितनी बार होता है। शी लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक रेयरली, शी रेयरली लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक। सेंटेंस वही रह रहा है, बस हम एडवर्ब को ऐड कर रहे हैं। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, कभी कम, बहुत कम, बहुत कम। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर समटाइम्स, वह कभी कभी, ही समटाइम्स, वह कभी कभी अखबार पढ़ता है। ये है बहुत कम, एज अ रेयर चांस, और ये है कभी कभी। नेक्स्ट है शी कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, शी ऑलवेज हमेशा, कंप्लेन काम का होना है, क्रिया का होना पता चल रहा है, क्रिया हो रही है कंप्लेन करना जो हो रहा है, और तो कितनी बार होती है, हमेशा, कितनी बार की गई है, हमेशा की गई है।
हस्बैंड। ही फील्स टेरिबल, तो यहाँ क्या आएगा, ही यूजुअली, वह आमतौर पे बहुत बुरा फील करता है, भयानक फील करता है, महसूस करता है। आई गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जॉगिंग पे जाता हूँ। आई ऑलवेज, कैसे जाता है, हमेशा, कितनी बार जाता है, हमेशा जॉगिंग इन द मॉर्निंग, हमेशा सुबह। समय बताया है, काम के होने का समय, कितनी बार हुआ है वो ये बताया। मॉर्निंग, मॉर्निंग है morning. शी नेवर, कभी भी नहीं की उसने, नेवर, कितनी बार है, कभी नहीं। हर डॉटर विद हर होमवर्क, विद हर होमवर्क। नेक्स्ट है वी वॉच टेलीविजन इन इवनिंग, तो हम हमेशा देखते हैं, वी ऑलवेज वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, हम हमेशा दोपहर में टीवी देखते हैं। आई ईट मीट सेल्डम, आई सेल्डम ईट मीट। आई ऑलवेज, यहाँ क्या लगेगा, ऑलवेज, हमेशा फल और सब्जियाँ खाता हूँ। एंड फ्रूट्स, ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज का आपका होमवर्क है डू क्लास वर्क इन बुक एंड नोटबुक। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।